बच्चों आज की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आप लोग आज मैं हूँ गंगा पाठ का कुछ क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। ये पाठ आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। इसके पहले का क्वेश्चन आंसर आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से दिया गया है और उसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो तो आप लोग जो आप लोगों को आसान लगता हो इजी लग जो आपको आसान लगता है इजी लगे उसको आप स्वयं करिए और जो आप लोगों को टफ लगेगा जैसे जो ग्रामर का पोर्शन है उसको पीडीएफ के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लेसन 8 में हम गंगा का कुछ क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं आपको। जो आपका आसान रहेगा वो तो आप खुद करिएगा, जो टफ रहेगा उसको आप लोग खुद देते रहेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन है उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है उचित विकल्प चुनकर
मेरा प्रदूषित पानी लोगों को बीमार कर रहा है। गंगा का पानी प्रदूषित हो गया है क्योंकि उसमें लोग शहरों की गंदगी को डालते हैं, मरे हुए शव को डालते हैं, कल कारखाने के कचरे डालते हैं, उसमें लाशें डाल देते हैं, उसे पशुओं को धुलते हैं, जिससे गंगा का पानी प्रदूषित हो गया है। इसीलिए इसका उत्तर क्या सही है, प्रदूषित। मेरा प्रदूषित पानी लोगों को बीमार कर रहा है। इसका आगे वाला, अनेक वर्षों से लोग मुझे कहते रहे हैं, क्या कहते रहे हैं, माँ माता जी बेटी। तो अनेक वर्षों से लोग मुझे माँ कहते रहे हैं, इसका उत्तर क्या सही है, माँ सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आप पता कार पत्र संख्या 8.1। अब आप लोग 8.2 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बेटा जो हम बता रहे हैं उसको आप लोग अपने एप्लीकेशन बुक पर नोट कर लीजिएगा, एप्लीकेशन बुक से भर लीजिएगा। कुछ हम बताएंगे कुछ एप्लीकेशन बुक, और कुछ काम आप लोग को PDF में देंगे। और PDF में सब नहीं देंगे, जो क्वेश्चन आपको लगेगा कि क्वेश्चन आसान है, बच्चे स्वयं कर सकते हैं, बच्चे बुक पढ़े तो कर सकते हैं, वो क्वेश्चन का आंसर हम नहीं देंगे। जो हमें लगेगा कि बच्चों के बस का नहीं है, कठिन लगता है, उसी को हम देंगे आपको, ठीक है। और जो क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं उसको PDF में फिर नहीं देंगे, हम बता रहे हैं इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसको अपने एप्लीकेशन बुक में भर लीजिएगा, ठीक है। जो नहीं बताएंगे उसी को PDF में देंगे, जो यहाँ बता देंगे उसको PDF में नहीं देंगे। गंगा का उद्गम स्थल कितनी ऊंचाई पर है, गंगा का उद्गम स्थल कितनी ऊंचाई पर है, क्वेश्चन आपका है कि गंगा का उद्गम स्थल कितनी ऊंचाई पर है। तो इसका आंसर होगा कि गंगा का उद्गम स्थल समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। गंगा का उद्गम स्थल समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। अब दूसरा क्वेश्चन है, गंगा का नाम गंगा कैसे पड़ा, गंगा का नाम गंगा कैसे पड़ा। अब आप लोगों को इस क्वेश्चन का उत्तर देना, जबकि आप लोगों के बुक में है कि गंगा का नाम गंगा कैसे पड़ा। अब इसका आंसर है कि देवप्रयाग में गंगा, क्वेश्चन आपका है कि गंगा का नाम गंगा कैसे पड़ा। अब इसका आंसर आप लोग लिखेंगे कि देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी एक दूसरे से मिलती हैं तो मिलने से इनका नाम क्या हो गया, गंगा पड़ा। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी जब एक दूसरे से मिलती है तो उस मिलने के बाद इनका नाम, भागीरथी का नाम गंगा पड़ गया। अब अगला क्वेश्चन आपका है, गंगा नदी को किस मैदानी स्थल में पहुंचने के बाद लोग सिर आंखों पर बैठा लेते हैं। तो गंगा नदी को किस मैदानी स्थल में पहुंचने के बाद लोग सिर आंखों पर बैठा लेते हैं। तो गंगा नदी मैदान पर कहाँ पहुंचती है, गंगा जब अपने उद्गम से निकलती है, गंगा जब हिमालय से निकलती है तो उनको मैदानी भाग कहाँ मिलता है, ऋषिकेश में। इसका उत्तर होगा कि गंगा जब ऋषिकेश में पहुँचती हैं, गंगा नदी जब ऋषिकेश में पहुँचती हैं तो गंगा नदी को लोग सिर आंखों पर बैठा लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, गंगा किस प्रकार किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाती है। तो ऋषिकेश से आगे हरिद्वार में गंगा नदी गंगा नहर बनकर, ऋषिकेश से आगे हरिद्वार में गंगा नदी से गंगा नहर बनकर हजारों वर्ग मीटर तक आगे बढ़कर किसानों के खेतों को सींचती है, जिससे किसानों के खेत हरे भरे हो जाते हैं और चेहरे पर उनके मुस्कान आ जाती है। अब आगे का क्वेश्चन है, नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मेरा काम है रात दिन चलना, लोगों की सेवा करना, उनकी भूख प्यास दूर करना, उन्हें सुख चैन देना। तो क्या खंड है, रात दिन चल करना किसका नाम है, रात दिन चलना किसका काम है। क्वेश्चन आपका है कि रात दिन चलना किसका काम है, तो आपका आंसर होगा रात दिन चलना गंगा का काम है।
लिया गया है। उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो उपर्युक्त गद्यांश मैं हूं गंगा पाठ से लिया गया है। अब आप लोग आज इतना ही देखिए, ठीक है? इसके बाद आप लोगों से हम कल मिलेंगे।